वेलकम टू अनदर सर्वाइवल चैलेंज। आज हम एक अबेंडेंट हाउस के अंदर हैं। ये घर जो है किस जगह पे लोकेटेड है और कहाँ है ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप अगर ऐसी जगहों पे जाते हो तो हमारा मकसद यही होता है कि जगह बदनाम ना हो, क्योंकि जगह जब बदनाम होती है तो ये चीज़ जो है जो भी ओनर होगा या फिर हो सकता है बाहर हो ओनर या कहीं भी हो, तो ये चीज़ बुरी ना लगे। तो अभी हम इस अबेंडेंट घर के अंदर आए हैं, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे पूरा और कुछ बातें आप लोगों से करनी है कि इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। ईद मुबारक। अच्छा, हम जो है अपना सेटअप कर रहे थे, माइक कैमरा वगैरह इंस्टॉल कर रहे थे, अपने सारे सेटअप कर रहे थे। बराबर से मतलब ये दीवार फैलांग के हम आए इस जगह से और ये घुसते ही एक कमरा है या फिर स्टोर रूम टाइप है, एक पत्थर गिरने की आवाज़ आई और आप इस घर का पुरसाने हाल देख सकते हैं। मतलब फाइज बड़ी वाली अगर लाइट तुम लेके आओ, और फाइज ने मुझे ये बोला यार बराबर वाले हो सकता है घर से पत्थर आया हो, लेकिन एक बहुत अजीब सी आवाज़ आई थी। और हालांकि इस कमरे के बाहर स्पेशली आप देख सकते हैं एक ये आयतल कुर्सी टाइप कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ से जो है ना इसकी छत आप देख सकते हैं ऊपर से छत बोसीदा बिल्कुल टूट रही है। और तो ये कमरा है, अल्लाह का नाम लेके हम यहाँ चलते हैं। क्या वो फाइस टिप टिप पानी की आवाज़ें आ रही है, ये मतलब। अच्छा, यहाँ ये जो है मेन डोर के पास भी लेके चलूँगा, लेकिन यहाँ पे अगर कोई चीज़ हमें कैप्चर हो जाए या हिम्मत करके अंदर चलते की आवाज़ आएगी वो आवाज़ यहाँ हिम्मत करके हम अंदर चलते हैं। कमरा जो है ये क्या है, ऑफिस टाइप लग रहा है पर बेहतरी के। अच्छा बड़े, ये जो है कमरा घर जो है मेन रोड के साथ ही है, तो हो सकता है आप लोग गाड़ियों की आवाज़ें भी आएँ। और ये वही पुरानी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये होगा, वही 70 से 80 साल पुराना घर। अच्छा, इसके बाद यहाँ से निकलते हैं हम। अच्छा, हम जो है वापसी रिटर्न उसी साइड पे जाएंगे और फिर वहाँ से घूम के, ताकि आपको घर का स्ट्रक्चर पूरा समझ में आए। एक अजीब सी वहशत पारी हुई है इस घर पे और ये दीमक भी लगी हुई है यहाँ पे। अब हम यहाँ से चलते हैं बाहर के साइड पे और आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाते हैं इस घर का। अच्छा, जैसे ही हम कूदे ना, मेरा पैर जो है यहाँ की तरफ पड़ा और ये पता नहीं गटर है या कुआ है क्या है, बोल के हुआ बोरिंग, मेरा पैर इसके अंदर चले जाता। अच्छा, ये दीवार कूदें हम यहाँ से और आगे जाके भाई पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा। अच्छा हाँ, ये पीपल का पेड़ है, नहीं नहीं ये फाइज ये जामन का पेड़ है, जामन, हाँ जामन का पेड़ है, पीपल का ऐसा नहीं होता। आओ, और यहाँ पे जो है एक सदी से पत्ते वत्ते सारे पड़े हैं और ये इसका मेन डोर है। ये गेट है, गेट के बाद ये एक कमरा है। हाँ, ये तुम सही बोल रहे हो, मेरे घर जैसा है पुराने ज़माने का। और ये एक बड़ी सी एक गली जा रही है और यहाँ से घुसते ही जो है ये बरामदा होगा, ये बरामदा है, इसके दरवाजे भी गायब कर दिए। और ये जगह है पता नहीं कलर पेंट्स के वो लगाए हैं। अच्छा, ये होगा ड्राइंग रूम, क्योंकि ये बाहर से दिख रहा है आपको, ये ड्राइंग रूम होगा। ये खिड़की है, नहीं नहीं ये छोटी सी अलमारी टाइप बनी हुई है। अबे मैं डर गया, मैं समझा दीवार के अंदर सुराग हुए, वो शीशा पड़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन आई उसकी, शीशा है। और ऐसा सुना है मैंने फाइस के शीशा वगैरह पड़ा हुआ ना ऐसी जगहों पे तोड़ देना चाहिए, तुम तोड़ दो जाके। कोई नहीं तोड़ लगा। अच्छा, ये सामने वाला जो कमरा है ना, ये मैंने जहाँ डायरेक्शन की हुई ये अभी मैंने आपको दिखा दिया है, और ये इसका ड्राइंग रूम टाइप है। दुकान है, शटर बना हुआ, रूम बना हुआ है। अरे हाँ, ये मतलब वैसे लग रहा है बहुत भाई, बहुत पुराना घर है ये मकान में। अच्छा, इतना बड़ा है कि मतलब एक्सप्लोर करें तो कहाँ से करें। और ये होगा इसका किचन, जगह जगह तो खुला हुआ। ये किचन है, बहुत ही गंदी सी अजीब सी स्मेल आ रही है। और किचन देख सकते हैं आप, फुल बोसीदा है, फुल बोसीदा है क्या। ये अजीब सी कोई प्लास्टिक नुमा टाइप कोई चीज़ है, ये ट्यूबलाइट पड़ी हुई है।
जाले वाले हो रहे हैं। और यहाँ से हम निकलते हैं बाहर की जाने। अच्छा भाई मैं तुम्हें एक बताऊँ एक बात जी, कि ये हमारा कोई हॉरर कंटेंट नहीं है, सिर्फ एक्सप्लोर करने आए हैं। लेकिन जब हम यहाँ से ड्राइंग रूम की साइड पे आए ना, यहाँ पे इस वाले कमरे की साइड पे, अचानक से मतलब एक ठंडी सी होती है ना, हल्की सी, क्योंकि आज बारिश भी हुई है, हो सकता है वो मौसम का इफ़ेक्ट हो, तो मुझे एक हल्की सी हरारत हुई है ठंड की। चलें तो एक्सप्लोर करते हैं आगे। अच्छा ये किचन तो हमने दिखा दिया था आपको, किचन के बिल्कुल सामने ये एक दरवाज़ा बना हुआ है, और ये दरवाज़े के हम अंदर जाएंगे। ये तो बहुत ही पतला दरवाज़ा है सब भी। वाह अटैची पड़ी है, जो है बक्सा पड़ा हुआ है। ठीक है, ट्रकों की भी आवाज़ आ सकती है, ज़रा वहम में नहीं डालो, मैं डरना शुरू हो जाऊँगा मजाक से। हाँ ये एक है, ये एक है भाई, वहम जो है, वहम का कोई इलाज नहीं है, और जो वहम करता है वो पहले ही मर जाता है। तो यहाँ से जो है हम अंदर आए हुए थे इस कमरे से, और ये एक दरवाज़ा बना हुआ है, हो सकता है ये भी कोई कमरा हो। खोलूँ? एहतियात से खोलना। जावेद है आपकी? ओ तेरी आवाज़ कैसे आई है फादी, स्टोर रूम लग रहा है, छोटा सा स्टोर रूम है। स्टोर रूम है, और यहाँ पे जो है चप्पलें पड़ी हुई हैं, दिखाना ज़रा भक्के पड़े। बहुत एक गंदी सी स्मेल आ रही है पाइप यहाँ से, बहुत ज़्यादा ही गंदे भक्के आ रहे हैं यहाँ से। तो ऐसे ही दिखा दो, मैं तो बोल रहा अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। क्या मतलब बाथरूम है कि स्टोर है, ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा। अभी वो पानी गिर रहा है उसका लग रहा है आपको, ये देखो। अच्छा ये टिप टिप कंटिन्यूसली आवाज़ आ रही है, तो मुझे ऐसा लगा, लेकिन फाइज ने जो है मेरा ध्यान जो है हटा दिया, क्योंकि मैं आपने एक परसेंट भी नहीं सोचना। ऐसी चीज़ें पहले नोटिस कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी फटती बहुत है, मतलब मैं भाग जाऊँगा। फाइज जो है एक एक मिनट पहले ही नोट कर लेता है। ये देखो ये ये रहा। वही एक बात है ना कि इंसान जो है वहम जो करता है वो मरता है। ये रहा, ये छत जो है ऊपर भी जाएंगे, ये लीक हो रही है, और यहाँ जो है बहुत सारा पानी जमा हो चुका है। यहाँ से तो खैर नहीं जा सकते, बराबर से जाएंगे बराबर। अच्छा सामने आपको दीवार दिख रही होगी, ये टूटी हुई है, ये नहीं, ये कटाई हुई हुई दीवार की ना, ये कोई डोर दरवाजा निकाल के लेके कोई डोर बनाया हुआ है। अच्छा यहाँ से अब हम चलते हैं, और ये एक कमरे का मैं आपको ओवर व्यू दे दूँ, इस कमरे का पुरसाने हाल जो है, ओ हो 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 हो, बड़ी ख़तरनाक चीज़ दिखी मुझे। क्या? यू नो व्हाट इज़ दिस? नो व्हाट इज़ दिस? आई डिडंट सी। ओ हो, विस्की, इट्स काइंड ऑफ एल्कोहल बॉटल, और क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा लाइट फिलिस्टिंग ओलिव ऑयल, फिलिपो ओलिव ऑयल लिखा हुआ है बाद में, एक्स्ट्रा वर्जन टेस्ट ओलिव ऑयल, ओलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन तो लिखा हुआ, एक्स्ट्रा लाइट लिखा हुआ है। नाक के बाल जल रहे हैं, बहुत गंदी बदबू आ रही है। फाइज जो है बहुत इरिटेट हो रहे हैं, यहाँ सब निकलता। मौसम बहुत अच्छा है, और कैफियत जो हो रही है ना, मतलब बहुत लाइट। बंद कर दो, मैं आगे जा ही नहीं पाऊँ। बंद कर दो, मुझे दे दो भाई, मुझे दे दो लाइट, मुझे दे दो। अच्छा मैं हर थोड़ी देर बाद में मतलब चेक करता हूँ कि फाइज को ना, फाइज का रिएक्शन क्या होता है। क्या हो गया भाई, आ जाओ अंदर भाई, अंदर आ जाओ। अच्छा एटमॉस्फेयर ऐसा है कि घमास हो रहा है, लेकिन जो है मौसम बाहर का, बारिश हुई है यार, फल में यहाँ सुकून मिल रहा है, क्यों ऐसा क्यों? वहाँ थोड़ी सी मुझे उलझन हो रही थी, यहाँ सुकून मिल रहा है, ऐसा क्यों है ये मुझे नहीं पता। और ये जो है, अच्छा किसी भी दरवाजे के ज़्यादातर अंदर की तरफ, अच्छा हर थोड़ी देर के बाद ना एक अजीब सी मतलब आवाज़ आ रही है। बेटी वो ताला लगा हुआ है, ये गेट क्यों बंद है? ये गेट क्यों बंद है? अरे दूसरे का घर है यार। अच्छा बहुत से हॉन्टेड, देखो इधर चेक करो, देख के ज़रा क्या कुछ महसूस हुआ था? गेट बंद हुआ है, देख लो आराम से। कुछ गेट तो ये वाला बंद है, तुम ये वाला, ये वाला भी ज़रा वैसे बंद हुआ है, रोशनी भी आ रही कहीं से बाहर से मुझे। अच्छा ये जो जगहें होती हैं मतलब अबेंडेंट प्लेसेस, वो मतलब अंधेरे में दरवाज़े खिड़कियाँ ये सब चीज़ें बंद की जाती हैं, तो हमने ज़्यादातर जो दरवाज़े सही दरवाज़े देखे हैं वो बंद ही देखे हैं अभी तक इस घर के अंदर ना। एक आप इस घर का ये दरवाज़ा देख सकते हैं, ताला लगा हुआ है। अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये नहीं, नहीं 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 खींचो भाई, नहीं खींचो, नहीं खींचो, अगर कोई आ जाएगा भाई, अभी पहले पूरी वीडियो बना लो उसके बाद खींच लेना।
अच्छा, ये जो अंग्रेज़ी फिल्मों में दिखाया होगा कुछ दरवाजे बंद होते हैं, जैसे कि स्टोर रूम्स कॉन्जरिंग के अंदर देखा होगा स्टोर रूम्स हैं और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जैसे ही बंदा 200 साल 300 साल बाद कोई दरवाज़ा खुलता है, मैं तो देख नहीं, तो अंदर से जो है कोई ये खातून या मर्द नुमा आदमी आता है बहुत अजीब सी शक्ल का, वो उनके ऊपर हावी हो जाता है। और कहीं ऐसा ना हो कि हम दरवाज़ा खोलें और वो चीज़ हम पे तो मुझे फिशरी वाली बिल्डिंग लगने लग गई एकदम, स्टोर इधर भी लिखा हुआ फिशरी भी नहीं। फाइस मैं बोलता हूँ यहाँ से चलते हैं, आगे निकलो, मैं तो बोल लूँ आगे निकलो, क्या तुम मुझे पीछे कवर देने के लिए आगे यहाँ निकलो, उसके बाद छत से फिर एंड में जाएंगे यहाँ पे। ये ट्रकों की धमधम की आवाज़ आ रही है ना, ये भी ऐसे ही गूंज रही है, हिला रही है। अच्छा यहाँ से जो है हम आगे चलते हैं। अच्छा ये पड़ोसियों का घर है बराबर में, अभी बंद कर दो, गलत बात है, गलत बात है। और यहाँ जाना या यहाँ देखना मुनासिब नहीं है, किसी का घर है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बड़ी वाली बिना लाइट के ना से बस ये मैं दिखा देता हूँ कि एक ये चेयर पड़ी है और ये कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे, और ये बाजू के अंदर भी जो है, अरे ये दरवाज़ा है फाइस, ये छत पे जाने का रास्ता लग रहा है मुझे, और यहाँ पे जो है गमला पड़ा हुआ, गमले अंदर ही यहाँ पे, और यहाँ से जो है ये एक अदर सेवरेज की लाइन भी कटर, और ये पौधे हैं, ये खिड़की, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं किसी मार्केटिंग का बंदा हूँ और किसी कंस्ट्रक्शन साइड पे जो है मार्केट। आ जाओ भाई, आ जाओ यार यहाँ से, यहाँ पे जो है ना ये इतने बड़े बड़े पौधे हैं, यहाँ से मैं क्रॉस करके जाऊँगा नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये है अगर कोई यहाँ पे बैठा हुआ और तंग हो जाए यार तो हमारे लिए मसला हो, क्या हुआ कोई होगा आ जाएगा लफ्ज़। अच्छा बाजू में किसी का घर है तो हम ज़्यादा शोर शराबा हुल्लड़बाजी करेंगे नहीं। भाई 2 बज रहे हैं यार, रात के 2 बजे ही तो सारे मामला शुरू होते हैं। अच्छा ये किसका बहुत बड़ा कमरा है, और इस कमरे का पुराने होने का सबूत ये है कि इस कमरे के अंदर कोई अटैच बात नहीं है। जाले भी चेक करो यार, ये क्या जाले ही है ना? नहीं ये कलर, अच्छा कलर हुआ है, कलर हटा हुआ है, ये एक साइड का ही क्यों इतना अजीब सा होगा कलर, मिट्टी लगी हुई है इसके ऊपर, और यहाँ भी हुई स्मेल, और ये बाहर के साइड से मैंने आपको खिड़की पुराने जमाने की खिड़की, बहुत बड़ा कमरा ये, दरवाज़ों के साथ कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है। अच्छा अजीब सी एक स्मेल है पूरे घर के अंदर, ठीक है ये भी किचन, ये क्या किचन तो देखो अभी इतनी बड़ी, ये क्या चीज़ है, मकड़ी है, इसको हटाओ ना हम पे ना लटक जाएगी, अभी ये हाथ पे आ गई, ये रही उसको हटाओ, अभी हटा, अबे वहाँ से चलते छोड़ दो, तंग नहीं करो उस तरफ से चले जाएंगे, मसला थोड़ी है यहाँ पे। अबे लाइट क्या आ रही है, लाइटें बंद करनी पड़ेंगी, ओह लाइटें बंद कर रहे हैं अभी हम। अच्छा ये क्या बना है, चील चील, अभी ये तो तोता लग रहा है, तो फादे मरे भी चील है, अभी नहीं सफ़ेद कलर की कौन सी चील होती है भाई, ये मरा हुआ तोता लग रहा है और उसकी हड्डियाँ बची हुई, उल्लू तो नहीं है कहीं मरा हुआ, ज़रा इसको घुमा के देखना, क्यों घुमा के देखना, पंजे अभी तक सलामत है, किसी लकड़ी से घुमाओ उसको, नहीं नहीं मैं नहीं, ओए मुर्गा तो नहीं है कहीं मरा हुआ, ये वो लग रहा है मुझे मरा हुआ उल्लू है, ये परों वाला सुअर है, ये कौन सी दवाइयाँ खा रहा है यहाँ पर बैठ के, एम्बलिकन ये कौन सी होती है, छोड़ दो भाई नहीं छेड़ो किसी चीज़ को यार। अच्छा ये क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये जो है सफ़ेद सफ़ेद से पर है, मुझे तो ये कोई, अबे नहीं 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 फाइज ये कोई मुर्गी टाइप है, फार्मी मुर्गी। अच्छा ये भी जो है किचन टाइप लग रहा है, किचन यहाँ पे जो है बारबेक्यू करते हैं, बारबेक्यू नहीं ये वॉश बेसन होगा या सिंक होगा, देखो ना तुम इसको, यहाँ से हम जो है बैक साइड पर आ गए और ऊपर के साइड जो है फ्लैट वगैरह बने हुए, ये खून पड़ा हुआ है, कपड़ा। अच्छा यहाँ से मैं बाहर आया हूँ, ये एक वॉशरूम, अबे ये अभी तक मुझे वाहिद एक वॉशरूम नज़र आया है, पूरे पुराने ज़माने में होता था ना 2 मील दूर जाते थे, हाँ पूरे घर में एक ही वॉशरूम लिखा हुआ भी, वॉशरूम वाड़े वाह, मस्त प्लान है मस्त। और ये जगह क्या है इसके वॉशरूम के साथ, ये नहीं पता, गटर, और ये इसकी बैक साइड है भाई, यहाँ से मुझे भी कुछ फील हुआ है कि हमारी आने पर कोई चीज़ यहाँ से उठ के गई है, भाई इस तरफ आ जाओ भाई, मानो इस तरफ आ जाओ, ये मुझे ये अच्छा ये जो है यहाँ से ये गली है पूरी, और अगर हम गली के इस साइड पे जाएंगे, ये सीढ़ी क्यों रखी है,
और दीवार के साथ ही रखी है, हो सकता है जर्सी चढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा ये पूरी गली है और ये वाले कमरे हमने सारे विज़िट कर लिए। ये वाला कमरा नहीं देखा भाई, क्यों उस तरफ से आ गए? अच्छा ये जो है टूटी हुई वाली साइड है जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, जो हम पानी की तरफ से आने नहीं चाह रहे थे, यहाँ पूरा पानी भरा जिस वजह से हम यहाँ पर आ नहीं पाए। और ये वही पुराने ज़माने की, ऐसा लग रहा भाई किसी का चेहरा बना हुआ है रस्सियों से। अच्छा ये अलमारी है, यहाँ से जो है ओह दरवाज़ा चेक करो कितना मोटा है, बहुत मोटा दरवाज़ा। और यहाँ से अंदर चलते हैं, ये रहा दूसरा वॉशरूम देख दिया। आइए। अच्छा वही खिड़की जो थी वही थी। हाँ ये यहाँ से जो है ये इसकी विंडो टूटी है, लेकिन ये कौन सा दरवाज़ा? अच्छा ये विंडो जो हमने बाहर से दिखाई थी। चहलकदमी नहीं लग रहा है वहाँ पर। बाथरूम को भी नहीं छोड़ रहा क्या? पान के पीक होते ये देखो वो देखो क्या सीन गया ये? इंतखाबी निशानात। अच्छा ये देखो दीवार के ऊपर भी पिचकारियों के निशानात हैं, ये आप लोग भी अपनाएं और एक पिचकारी मार के इनकी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। अच्छा यहाँ से बाहर चलते हैं। अच्छा मुझे आप लोगों से थोड़ी सी ये बातचीत करनी है कि यार कराची के अंदर अबेंडेंट हाउस ढूंढना या अबेंडेंट प्लेस ढूंढना या हॉन्टेड प्लेस ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम होता है। कराची बहुत बड़ा है और लोकेशंस, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो लोकेशंस तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, मतलब ना होने के बराबर है। तो हम जो भी वीडियोस बनाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, सर्वाइवल करेंगे और अच्छा कंटेंट बनाएंगे, डार्क थीम रख के, कोशिश जो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अब यहाँ से हम निकलते हैं और छत के साइड चलते हैं। हम जो है छत की तरफ जा रहे थे और छत की तरफ जाते जाते हमें कमरे से बाहर जो है ये एक टैंक दिखा जो कि खुला हुआ है। और फाइज जो है मुझे यही बोले जा रहे थे से ये गटर है, लेकिन मैंने बोला यार इसको और से देखते हैं, ये काफ़ी मतलब बड़ा टैंक है, कहीं ऐसा ना हो मैं ये अंदर डालूं लाइट और कोई पकड़ ले नीचे से। पानी पड़ा हुआ बारिश का होगा। अच्छा इसकी गहराई काफ़ी है, मतलब ये तकरीबन 1.5 फीट का पानी अभी खड़ा होगा इसके अंदर। अच्छा मैं ख़ुद कन्फ्यूज़ हो गया था, छत पर जाने का रास्ता है कहाँ से? यहाँ से तो नहीं है। ये रहा। अबे फाइज ये तो वही दरवाज़ा है, ये तो वही दरवाज़ा है, बंद है ना ताला, वही मुझे ऐसा लगा कि छत के लिए बंद किया होगा। अच्छा यहाँ से जो है ये सीढ़ियों का रास्ता है, ये यहाँ पे वाकई में कोई प्रिंटिंग प्रेस का काम होता होगा एक ज़माने में। अच्छा फाइज हम लाइट तो ऊपर लेके जा रहे हैं, कहीं आजू बाजू के घर वाले जो है झाँके ना, रहने दो पे लाइट लेके नहीं जाओ। अच्छा एक रिस्क हम छोटा सा ले लेते हैं, वैसे आवाम सो गई अपने अपने घरों में, कल वर्किंग डे हो सकता है। और ये कमरा ऊपर आती, इतना कपड़ा पड़ा हुआ है, इतना कपड़ा इसके अंदर यार, अगर घर पूरा खाली है तो कपड़ा क्यों है इतना? और ये छोटा मोटा फर्नीचर पड़ा हुआ है, ये अलमारी है एक अदद। अच्छा कचरा इतना है और ये पैम्पर भी हैं, अंदर नहीं जाओ भाई कि मैं इसके ऊपर, ये पैम्पर वो गंदे पैम्पर लग नहीं रहे, साफ़ कपड़े लग रहे हैं ये, लेकिन यार इन चीज़ों पर से चढ़ के जाना मुनासिब नहीं है। हाँ जो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। और ये वही कमरा है, टूटी हुई गल रही है इसकी छत भी ना, और इसके पीछे एक जो है वो बक्सा भी पड़ा हुआ है। बहुत इसी तरह से जो है ना दूसरा ये कमरा कपड़ों की दुकान है, और ये कमरा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और कचरा इतना है इसके ऊपर, मुझे चलते हुए ना मेरे पैर डगमगवा रहे हैं भाई। नहीं जाना भाई ऊपर, इसके इस तरफ आ जाओ। एक रिस्क ले लेते हैं छोटा सा। अच्छा ये झाड़ूएं पड़ी हुई और ये सामान ये देख सकते हैं, सिर्फ ये आपको दिखाने का मकसद है यहाँ पे इतना करीब घुस के आना ताकि आप लोग अपनी बड़ी बड़ी आँखों से दीदार कर लें। अच्छा यहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा नीचे वो गली वाली साइड दिखेगी जहाँ सीढ़ी रखी हुई थी और जहाँ एक वॉशरूम था, ये हो जाएगा वो सीढ़ी। आ जाओ भाई आ जाओ बहुत। चलो अब यहाँ से निकलते हैं बाहर की साइड पे, देखते हैं और क्या है। मेरा पैर स्लिप हो गया, बचत हो गई मेरे पैर जो है बिल्कुल, फाइज ने मुझे संभाल लिया। अच्छा ये जो है यहाँ पे वॉशरूम है और ये बहुत छोटा सा है,
किचन। अच्छा ये भी एक जो है किचन बनाया हुआ है, ऊपर फैमिली रहती होगी कोई फाइज, और ये इस कमरे का, ये इस किचन का दरवाज़ा जो है यहाँ पड़ा हुआ है। अब यहाँ से निकलते हैं, छत का ओवरव्यू दे दिया, फ्रंट साइड हम दिखा देते हैं आपको फटाफट। फ्रंट साइड दिखा रहे हैं, और जामुन के पेड़ पे भी असरात होते हैं, सामने वाले को घर की लाइट जल रही है। ये जामुन का पेड़ है, ये पूरा घर हमने आपको दिखा दिया। सीढ़ियाँ जो है पैर स्लिप होने का ख़तरा है आपके लिए, तो बहुत ज़्यादा खतरा है फात भाई। हाँ मेरे पैर जो है ना अभी अक्सर जॉइंट हिल रहा है। तकरीबन हमने पूरा घर जो है एक्सप्लोर कर लिया, और पैरानॉर्मल ऐसे कुछ फील नहीं हुआ कि हमें कोई वाजे तौर पे लगा हो, लेकिन बस खटर पटर की आवाज़ आई है। और इस घर की हालत बता रही है कि ये एक मुद्दत से बंद पड़ा हुआ है। क्या हुआ? नहीं कर रहा, सही बता रहा हूँ, जैसे जैसे जाने का निकल लेना टाइम हो रहा है ना। अच्छा ये हुई है कोई अजीब सी एक्टिविटी के फायद ने अचानक से दरवाजे पैर मारा है, इसको महसूस हुआ है, इसने मुझे इशारा किया है कि रिकॉर्ड करो। बस जैसे पहले पत्थर आया था ना, वैसे ऐसे शुरू हो रहे हैं एक्टिविटी, निकलने ही करो, ऐसे ही बता रहा हूँ। अच्छा अभी तक सिर्फ माइनर माइनर सी एक्टिविटीज़ फील हुई हैं, और लाइट तो ऑन करो। कुछ वाजे दरख्त होते हैं, नीम का दरख्त, जामुन का दरख्त और बेरी का दरख्त, जिन पे गारंटीड कहा जाता है कि पक्के मामलात होते हैं, क्योंकि इन दरख्तों की उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है। बेरी का तो एक अलग ही सीन है, उस पर तो डेफिनेटली होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि यार बुरे हर जगह जन्नात हों, कुछ अच्छे जन्नात भी होते हैं। अच्छा यहाँ से अब हम निकलते हैं, और अपना एक एक्सप्लोरिंग वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, इस तरह की और वीडियोज़ आती रहेंगी, चैलेंजेस आते रहेंगे। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।